तो फाइनली बोरुटो का एपिसोड 290 आ चुका है एंड ये एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का था। लाइक, इस एपिसोड के अंदर मुझे कुछ भी फ्लॉ देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से ये एपिसोड स्टार्ट होता है वो भी एकदम परफेक्ट था एंड जिस तरीके से ये एपिसोड एंड होता है वो चीज़ भी एकदम परफेक्ट थी। एंड ऑफकोर्स जो कुछ भी इस एपिसोड में दिखाया जाता है वो तो परफेक्ट था ही था। एंड इफ़ यू गोना टॉक अबाउट एनिमेशन तो एनिमेशन भी अच्छा था। लाइक, मुझे तो कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिली। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है बट या मेरे हिसाब से एकदम ठीक था। तो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का होने वाला है, तो बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बोरुटो, कावाकी, इनोजिन एंड उनके बाकी फ्रेंड्स को। हम देखते हैं कि हमारे कावाकी एंड बोरुटो के ऊपर एक निशिन नाम का सेंसरी टाइप निंजा नज़र रख रहा होता है एंड ये चीज़ हमारे बोरुटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उन्हें कोई बॉडी गार्ड दिया जाए। एंड इसलिए हमारा बोरुटो कहता है ये किसी तरीके का कोई बॉडी गार्ड है, ये बॉडी गार्ड तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। एंड यही चीज़ हमें निशि काफ़ी दूर से सुन लेता है और वो कहता है हे, तुम्हें पता है ना मैं यहीं पर खड़ा हूँ। एंड इन सब के बाद जो हमारा इनोजिन होता है वो बोरुटो को करेक्ट करते हुए बताता है कि निशि किसी तरीके का बॉडीगार्ड नहीं है बल्कि असल में वो तो एक सेंसरी टाइप का निंजा है जो कि कोई भी खतरा महसूस होते ही जल्द से जल्द हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देगा। बट स्टिल बोरुटो पिस्ड ऑफ फील कर रहा होता है, जिसके ऊपर हमारे कावाकी बोरुटो से कहता है तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, इन सब चीज़ों को बस इग्नोर करो, इतना चलता है। लोगों की आपस में बहस चली रही होती है कि तभी हमारा इनोजिन कहता है वेल, सेंसरी टाइप निंजा से बचने की बस एक ही ट्रिक है, वो है तुम तो अपने चाकरा को हाइड कर लो जो कि तुम कभी कर ही नहीं सकते, यानी कि तुम इनसे कभी नहीं बच सकते। लेकिन ये सुनते ही हमारा कावाकी एक छोटा सा पॉज लेता है क्योंकि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जीता है। एनीवेज एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि हमारे शिकामारू एंड अमाडो आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारा अमाडो बात करता है कावाकी के ऑब्सेशन के बारे में या फिर कहें तो कावाकी के लव के बारे में टुवर्ड अवर नारुतो बॉय। अमाडो कहता है कावाकी लॉर्ड सेवन से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुका है, मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा ही अटैच होगा किसी से उसकी लाइफ के अंदर, पर हाँ वो लॉर्ड सेवन से सच में काफ़ी ज़्यादा ही अटैच हो चुका है। ये सुनकर अमाडो कहता है प्यार, हाँ वेल, देखा जाए तो प्यार एक तरीके का ऑब्सेशन ही है। शिकामारू सुनकर कहता है ऑब्सेशन वेल जो भी हो, पर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अभी भी सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। अमाडो साइंटिस्ट अमाडो कहता है तुम अभी भी मुझ पर शक करते हो। खैर जो भी हो, हमें कोड के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी रखनी होगी, कोड सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है। शिकामारू कहता है हाँ ऐसा तो है, लेकिन काफ़ी वक्त से कोड की कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। ऐसा हो सकता है कि इशी की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया हो और अब उसे कोनोहा से कोई भी रिवेंज नहीं लेना हो। इस पर अमाडो कहता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो। हाँ लेकिन अगर ऐसा होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, शिकामारू कहता है ना, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होने वाला है और इसलिए हमें सिक्योरिटी टाइट रखनी होगी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं हमारे कावाकी को जो कि कुछ बुक्स को उठाता है और वो हमारी हिनाता वगैरह को इन्फॉर्म करता है कि वो इन बुक्स को फेंकने जा रहा है। बट हिनाता उससे कहती है अभी काफ़ी ज़्यादा ही रात हो चुकी है, तुम इन्हें कल फेंक सकते हो। बट कावाकी कहता है नहीं, कल मैं भूल जाऊँगा इसलिए मैं अभी कर लेता हूँ। एंड ऐसे कहकर वो उन बुक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि निशि स्टिल हमारे कावाकी के ऊपर नजर रख रहा होता है। कावाकी के बाहर जाते ही निशि इस चीज़ को रिपोर्ट कर देता है कि कावाकी घर से बाहर निकल चुका है। देन हमारे कावाकी सक्सेसफुली उन बुक्स को फेंक देता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र निशि के ऊपर एकदम बनी रहती है और वो कुछ झाड़ियों के अंदर घुस जाता है। निशि को ये चीज़ सस्पिशियस लगती है बट अगले ही पल कावाकी वापस आ जाता है और वो उसके घर के अंदर चला जाता है। निशि कहता है कि कावाकी घर के अंदर जा चुका है, सब कुछ सेफ है। कावाकी के अंदर आते ही बोरुटो भी उसके रूम से बाहर निकलता है और वो कावाकी से कहता है हे कावाकी तुम थोड़े, लेकिन हमारे कावाकी कहता है मुझे बाथरूम जाना है और वो ये कहकर टॉयलेट में बैठ जाता है। लेकिन स्टिल हमारे बोरुटो को कुछ ना कुछ चीज़ तो सता रही थी, उसे कोई प्रेजेंस महसूस हो रही थी, इसलिए वह हमारे कावाकी के टॉयलेट के डोर के आगे आके कहता है हे कावाकी क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम थोड़े ठीक नहीं लग रहे। कावाकी कहता है मैं ठीक हूँ और मुझे शांति से फ्रेश होने दो। बट बोरुटो को वो प्रेजेंस कुछ ज़्यादा ही फील होने लगती है जैसे कि उसके घर के बाहर कावाकी ही हो लेकिन जो घर के अंदर है वो कावाकी नहीं है और इसलिए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कावाकी के आगे वाला दरवाज़ा पीटने लग जाता है और कहता है ओए दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है तुम किस तरीके की ट्रिक कर रहे हो। पर तभी वहाँ पे नारुतो आता है और वो बोरुटो से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। बोरुटो से कहता है कि उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा और उसे लगता है कि कावाकी कोई ट्रिक कर रहा है।
एंड उसका कुछ प्लान हो, बट हमारा नरूटो उसे बाहर ले जाता है और निशी से कन्फर्म करवाता है कि कावाकी सच में घर के अंदर ही है। लेकिन हमारे बोरूटो के काफ़ी ज़्यादा ही बार कहने पर कि वो एक शेडो क्लोन है, वो एक शेडो क्लोन है, हमारा नरूटो सच में कावाकी सच का दरवाज़ा खुलवा देता है। एंड हम देखते हैं कि कावाकी तो उसके टॉयलेट में ही बैठा था, बट अगले ही पल हमें पता लगता है कि वो एक शेडो क्लोन था जो कि अब पॉप हो चुका है। बोरूटो नरूटो को कहता है कि मैंने कहा था ना तुमने मेरी बात नहीं सुनी, पर नरूटो जल्दी से हमारे इनोन शिकामारू को इस बारे में बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कावाकी को जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में विलेज से बाहर निकल जाता है एंड इस चीज़ को एडा कन्फर्म करती है। बोरूटो को यहाँ पे दिमाग ख़राब हो रहा था, बट हमारे नरूटो से चुप रहने को कहता है और वो कहता है बड़े इस काम को संभाल लेंगे, बट हमारे बोरूटो को पता था नरूटो की बस की है नहीं, इसलिए उसका भी दिमाग काफ़ी ज़्यादा ही गर्म होने लगता है। तेनम सीन देखते हैं हमारे कावाकी का जो कि जंगल में भाग रहा होता है। हमारी ईडा इस बारे में कोड को बता देती है और कोड कहता है अच्छा तो ठीक है चलो उसके पास चलते हैं। एंड ऐसे कहकर वो कावाकी के बगल वाले पेड़ में से जिस पे क्लॉ मार्क लगा हुआ था उसमें से बाहर निकलता है और वो हमारे कावाकी को कहता है कावाकी कैसे हो, काफ़ी दिनों बाद मिले। कावाकी उसे देखकर और स्पीड में भागने लगता है, बट वो हमारे कावाकी के ऊपर ही उसका क्लॉ मार्क लगा देता है जिसके अंदर से वो टेलीपोर्ट होता है। वो कावाकी से कहता है कावाकी तुम्हारा वजन तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुका है एंड एनिमेशन टॉप नॉच था। एनीवेज हमारी एडा बताती है कि कावाकी ने निशी को उसका चाकरा इरेज करके चकमा दिया था, जो चीज़ उसे थोड़ी अजीब लगती है बिकॉज चाकरा सिर्फ उत्सुत्सुकीज ही इरेज कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ हमारा कोड कावाकी से कहता है हाँ अब तुम काफ़ी ज़्यादा ही पिटने वाले हो, लेकिन उससे पहले क्यों ना थोड़ी बात की जाए। हमारे कावाकी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और सुनो मैं था जिसने ईशी की उत्सुत्सुकी को मारा था, इसलिए प्लीज़ तो मुझे मार के अपना गुस्सा शांत कर लो, कोनोहा विलेज को लॉर्ड हुकागी को कुछ मत करना। ये सुनकर कोड का मत्था खनक जाता है और वो हमारे कावाकी को काफ़ी ज़्यादा ही जोर जोर से पीटने लगता है और वो कहता है मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता क्योंकि मैंने किसी बंदे के लिए तुम्हें अपनी लिस्ट से बाहर निकाल रखा है और कोई तुमसे मिलना चाहता है, तो ठीक है तुम मेरे साथ चलोगे। एंड ऐसा कहते हुए हमारे कावाकी के ऊपर वो काफ़ी सारे अटैक्स करता है। इडा उससे कहती है हे तुम उसे पीट दोगे काफ़ी ज़्यादा ही, और तुम उसे गलती से मार मत देना। हमारा कोड इडा को फुल इग्नोर कर रहा होता है। वहीं पर हमारा कावाकी काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुका होता है, पर स्टिल वो जैसा तैसे करके खड़ा होता है और वो कोड के ऊपर एक ब्लास्ट अटैक करता है जिसे कोड उसकी क्लो मार्क से कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देता है और वो एक्सप्लोजन सच में काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था। कोड कावाकी के पीछे आता है और वह कावाकी को थोड़े बहुत और पीटते हुए कहता है ठीक है अब तुम मेरे साथ चल रहे हो और उसके बाद कोनोहा को तुम्हें डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा। हमारा कावाकी स्टिल उससे भीख मांग रहा होता है कि कोनोहा को वो छोड़ दे। एंड ऐसे कहते हुए वो हमारे कावाकी को क्लॉ मार्क के अंदर ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर आता है हमारा उज़मा की बोरूटो दाते बसा। एंड दाते बसा का मतलब यहाँ पर यू नो होता है, तो कोई इसका सरने में से मत समझ लेना। एनीवेज हमारे बोरूटो वहाँ पर आते ही कोड के ऊपर एक लात मारता है जिससे कोड काफ़ी दूर जाकर गिरता है। हमारा बोरूटो कावाकी को स्टैंड अप करता है एंड वो हमारे कावाकी से कहता है हे ऐसे ही भाग मत जाया करो, तुम्हारे जाने की वजह से मुझे डांट पड़ती है। बट कावाकी बोरूटो को वहाँ पर देख कर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर रहे तो तुम मारे जाओगे, यहाँ से भाग जाओ। बट बोरूटो कावाकी को काफ़ी ज़्यादा ही समझाने की कोशिश करता है कि अब वो यहाँ पर आ चुका है सब कुछ ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह, बट हमारा कावाकी कहता है नहीं तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम कोड को कभी नहीं हरा सकते। एंड कावाकी इस चीज़ को मान के बैठा हुआ है कि वो कितने भी ट्राई कर ले वो लोग कभी भी कोड को नहीं हरा सकते। कावाकी कहता है मैं इस सब लॉर्ड हुकागे को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, भले मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊँ लेकिन मैं लॉर्ड हुकागे को बचा कर रहूँगा। एंड इस चीज़ को देखकर एडा काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेस हो रही होती है। एंड बाय द वे एडा की गोद में डायमोन ही सो रहा है। खैर कावाकी अभी भी पागलो जैसे बोरूटो को बोल रहा होता है कि तभी हमारा बोरूटो कावाकी के फेस पर एक पंच करता है और वो नीचे गिरा देता है। एंड देन वो कहता है कावाकी मुझे पता है तुम मेरे डैड को कितना प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन सुनो यहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। एंड ऐसा कहते हुए वो उसका कार्मा एक्टिवेट कर देता है। एडा इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही बोरूटो के ऊपर सिंप काइंड ऑफ करने लगती है। वो कहती है ओह माय गॉड बोरूटो ओह माय गॉड, लाइक लिटरली सीरियसली।
एंड हमारे बोरूटो की इसी कार्मिक फॉर्म के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है बोरूटो एंड कावाकी वर्सेस कोड, एंड शायद से बोरूटो कार्मा वर्जन 2 में चला जाए। वेल, ये तो अगले एपिसोड में पता लगेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करो। इस एपिसोड को मैं इसी संडे को डालने का ट्राई कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना ताकि अगला एपिसोड भी मैं उसी संडे को डाल दूँ। सो या डेट्स ऑल फॉर टुडे, सायोनारा शीता।